चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। गर्मा गर्म खबरें लाए हैं, लेकिन आज की जो टेक न्यूज नंबर है वो है 666। अब आपको मुझे ये बताना है कि ये जो नंबर होता है 666, ये क्या सिग्निफाई करता है? व्हाट डज 666 डिनोट? सोचिए सोचिए, देखते हैं कितने लोग बताते हैं आज कमेंट सेक्शन में। वैसे बहुत सारी खबरें हैं और जबरदस्त खबरें, इसलिए पूरी टेक न्यूज ध्यान से देखिए। पहले आपको फेसबुक के बारे में जरा बता दूं, एक नया AI टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, जिसने पिछले 1.5 साल में या फिर उससे भी कम टाइम में 6 बिलियन अकाउंट्स डिलीट किए हुए हैं जो स्पैम थे। जो ओरिजिनल अकाउंट्स है दोस्तों वो है कुछ 2.98 बिलियन, और 6 बिलियन अकाउंट्स डिलीट किए। अच्छी बात है, बेसिकली AI का इस्तेमाल करके फेसबुक जो स्पैम अकाउंट्स वगैरह है, जो हैकर्स के अकाउंट्स हैं, ये सब अकाउंट्स होते हैं, झूठे अकाउंट्स होते हैं, फेक अकाउंट्स होते हैं, वो डिलीट कर जाए। दोस्तों परसों मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, परसों नहीं, 3-4 दिन हो गए उसको, कि भाई नई बैटरी टेक्नोलॉजीज आ रही है। जी हाँ, सी वाटर से हो रहा है, ग्राफीन से हो रहा है। आज एक ऐसी एक डिस्कवरी आई है, जो डूरियन फ्रूट, पता है आपको डूरियन? जी हाँ, स्मेलीस्ट, सबसे गंदा स्मेल करने वाला ये फ्रूट है, ये या फिर जैक फ्रूट जो होता है, इनसे बैटरी अब चार्ज होती है। जी हाँ, इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है उन्हें वो कन्वर्ट करते हैं कार्बन का एक फॉर्म में, जेल, कार्बन जेल फॉर्म में, और उससे बैटरी चार्ज होती है। एंड दिस इज सस्टेनेबल, यस, क्योंकि वेस्ट, जो वेस्ट होती है उससे ये बनता है, और आपकी बैटरी जो है स्मार्टफोन की बैटरी रैपिडली फास्ट चार्ज होती है। इज इन दैट ग्रेट? दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने कह दिया, एयरटेल ने कह दिया, अब जियो भी कह रहा है कि मोबाइल डेटा के जो रेट्स हैं वो बढ़ने चाहिए। जी हाँ, उन्होंने TRAI का जो कंसल्टेशन पेपर था उसमें उन्होंने कहा है कि अब अगले 6 महीनों के अंदर आपका जो मोबाइल डेटा रेट है वो 20 रुपये पर GB तक जाना चाहिए, 20 रुपीज़ पर GB। अभी 10 से 15 रुपये रफली रेट है और वो 20 रुपये तक बढ़ना चाहिए। That is not good news for you and us. जी हाँ, अगर महंगा हो जाएगा तो आप भी कम वीडियोस देखोगे, कम डेटा इस्तेमाल करोगे और हमारे वीडियो के व्यूज भी करोगे। और दोस्तों ये जो अगली खबर है ये टेक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने ये जानना चाहिए। RBI ने येस बैंक के ऊपर मोरेटोरियम लेके आ गए हैं। इसका मतलब क्या? बेसिकली जो भी कस्टमर्स हैं येस बैंक के, उन्होंने महीने में 50,000 रुपये के ऊपर नहीं निकाल सकते हैं। और याद रखिए, येस बैंक ये बहुत बड़ी कंपनी है, और फ्लिपकार्ट, फोनपे, रेजर पे, ऐसे बड़े बड़े जो ई कॉमर्स साइट्स वगैरह, पेमेंट गेटवेज हैं, वो येस बैंक के ऊपर चलते हैं। और आज इतना प्रॉब्लम फेस किया लोगों ने, UPI के पेमेंट्स वगैरह भी नहीं कर पा रहे थे, फोन पे के ऊपर, रेजर पे का भी सेम प्रॉब्लम था। और कंपनीज के बारे में सोचिए जिनका अकाउंट येस बैंक में है, क्रेजी, ये सब सुन के मुझे सही में। और दोस्तों आप अगर नए हो तो बता दूं, मेरा नाम है अरुण प्रभुदेसाई, आप देख रहे हो ट्रैक एंड टेक न्यूज नंबर 666। और अगर नए हो तो एक चीज करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। और आज रियलमी बैंड का अनबॉक्सिंग किया हुआ है। जी हां, कल बताया था करूंगा, यस वी डिड इट। एंड 1499 के लिए जरूर देखिए मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस, आपको पता चल जाएगा मैंने क्या बताया हुआ है, बट इंटरेस्टिंग है। और कल Realme 6 Pro का आ रहा है, उसके लिए जरूर रुकिएगा। और हाँ दोस्तों, और एक बात, जी हाँ, बहुत सारी बातें आज बताने के लिए, ट्रैकिंग के फंडे का 7वां एपिसोड चला गया है, जरूर देखिएगा ऑफिस में कभी कभी। जी हाँ, सुबह का बोला शाम को आ जाता है, इस्तीफा दे देता है और वापिस ले लेता है। और हाँ, क्विकली रिमाइंड भी कर दूं, हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो बढ़ रहा है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें उधर आ रही है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जरूर जाके देखिएगा। लगे हाथ इंस्टाग्राम, ट्विटर भी फॉलो कीजिए, गिव अवे चल रहे हैं, यस आज 2 गिव अवे चल रहे हैं, तो पार्टिसिपेट भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों इन्फिनिक्स S5 Pro लॉन्च हो गया है, इन्फिनिक्स का इस साल का सबसे पहला स्मार्टफोन, और फिर से वही 10,000 के नीचे है, एंड इट हैज़ अ पॉपअप सेल्फी कैमरा, वेरी इंटरेस्टिंग, पीछे की तरफ 48 मेगापिक्सल का है और हीलियो P35 प्रोसेसर है। मेरे क्या विचार है, मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस क्या है, जरूर देखिएगा, आज वो भी वीडियो डाल दिया है, उसका भी कर रहे हैं गिव अवे। और दोस्तों चाइना में ओप्पो ने लॉन्च कर दिया है ओप्पो वॉच, पिछले कुछ दिनों से बात चल रही थी इसकी, एंड इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट लुक्स वेरी प्रीमियम। 2 डायल साइज में है ये, स्क्वेरिश डिजाइन में आता है, 41mm एंड 46mm, 16,000 और 20,000 ऐसी उसकी प्राइस है। दो बड़ी चीजें आती है जो जनरली आपको स्मार्ट वॉच में नहीं दिखती है, एक तो ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है इसके अंदर, एंड eSIM का भी सपोर्ट है। इसका मतलब eSIM, फिजिकल सिम नहीं डाल सकते हो, eSIM यूज कर सकते हो, एंड यू कैन एक्चुअली यूज द स्मार्ट वॉच एज अ स्मार्टफोन। और दोस्तों आज ओप्पो ने उसी लॉन्च इवेंट में अनाउंस कर दिया Find X2 एंड X2 Pro,
और क्या जबरदस्त फोन है। हमेशा फाइंड के जो फोन होते हैं, फाइंड सीरीज के कैमराज बहुत अच्छे होते हैं, और ये जो कैमरा है दोस्तों वो भी जबरदस्त है। यस, उसने इनफैक्ट DxO मार्क के ऊपर फोटो के लिए 134 इतना स्कोर उसको आया हुआ है, नंबर वन पे चला गया है, 124 ओवरऑल स्कोर है। और क्यों? क्योंकि आगे और पीछे आप देखोगे तो कैमरास तो जबरदस्त हैं ही, 865 प्रोसेसर है, 12GB रैम है, और प्रो वेरिएंट में और भी बहुत सारी चीजें हैं। कैमरा फॉर एग्जाम्पल 48 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल है, आगे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी पंच होल कैमरा है। Overall, this is great. And why am I so excited about this? क्योंकि Oppo Find X2 is also coming to India. Yes, बहुत ही जल्दी आने वाला है. In fact, March के last week में या फिर April के first या second week में आ जाएगा. I am waiting for it. मुझे फोटो जरूर खींचने हैं इसके साथ. और एक हाँ, भूल गया मैं बताना दोस्तों, 6.7 इंच की क्वाड HD प्लस स्क्रीन आती है इसमें, वो भी सुपर एमोलेड, सोचिए। और हाँ, इतना सब कुछ दे रहे हैं तो प्राइस भी कम नहीं है। उधर जो प्राइस आई है वो कुछ 83,000-84,000 है बेस X2 की प्राइस, ऊपर वाला जो है वो 1,00,000 का है। आई डोंट नो व्हाट प्राइस इज गोइंग टू कम। और दोस्तों, TCL ने आज दो कंसेप्ट फोन्स दिखा दिए हैं। एक तो ट्राईफोल्ड, ये सिंगल फोल्ड नहीं है, ट्राईफोल्ड है, पीछे से भी होता है आगे से भी, ऐसे तीन सैंडविच के जैसा है, एक फोन है। और दूसरा जो है दोस्तों वो है रोलेबल डिस्प्ले, उसमें मैकेनिकल मैकेनिज्म आती है, मतलब मोटर है जो आगे लाती है स्क्रीन को और फिर से राउंड होके पीछे चली जाती है। तो रोलेबल डिस्प्ले वाला कंसेप्ट फोन एंड ट्राईफोल्ड वाला कंसेप्ट फोन, ये दोनों भी है। अब इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, प्राइस क्या है, ये अभी तक बाहर नहीं आया है, बट नए फॉर्म फैक्टर्स आ रहे हैं फोन के, एंड आई एम एक्साइटेड। वैसे एक बात बोल दूं, मंडे को हम भी आपको कुछ फोल्डेबल ही दिखा रहे हैं। इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, यू आर गोइंग टू लव इट, इट्स अ अनबॉक्सिंग वीडियो। और हाँ दोस्तों, बता दूं आपको, पोको F1 अभी भी आप इस्तेमाल कर रहे हो और अभी भी अच्छा फोन है वो, तो उसमें एंड्रॉयड 10 का स्टेबल बीटा रिलीज जो है वो आ गया है। सो अच्छा है, पहले भी आया हुआ था, लेकिन अगर इफ़ यू आर एडवेंचरस, आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता था, लेकिन अब बहुत ही जल्दी आपके फ़ोन में डायरेक्टली OTA अपडेट द्वारा आने वाला है। और दोस्तों, दो बड़ी खबरें बता दूं आपको। जी हाँ, चाइना में जो Redmi Note 9 Pro लॉन्च होने वाला है, अगेन टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, जी हाँ मैं पहले ही कह दूं, क्योंकि ये लीक्स रूमर्स वाइबो पे इधर उधर से आए हुए हैं, बट इंटरेस्टिंग खबरें हैं। Redmi Note 9 Pro जो चाइना में लॉन्च होने वाला है दोस्तों, वो आने वाला है 5G के ऊपर, Dimensity 800 प्रोसेसर पे ये होने वाला है। एंड इधर जो रूमर्स है, इधर का जो Redmi Note 9 Pro होने वाला है वो Snapdragon पे आने वाला है, ऐसे कहा जा रहा है। आई एम नॉट श्योर, बट दोनों भी तरफ अलग अलग, उधर 5G चाहिए इसलिए Dimensity 800 पे, इधर 5G है नहीं इसीलिए Snapdragon पे, आई एम नॉट श्योर। और एक बहुत बड़ी खबर है, और बड़ी खबर ये है कि Redmi Note 9 लॉन्च नहीं होगा, या फिर होगा, अभी जो होने वाले हैं वो दो फोन्स होने वाले हैं। अभी जो 12 मार्च को लॉन्च इवेंट है, Redmi Note 9 Pro एंड Redmi Note 9 Pro Max। आई डोंट अंडरस्टैंड, आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड। जब Realme ने 6 लॉन्च किया तभी कहा था कि भाई ये जो Realme 6 है वो एक्चुअली प्रो है, और हमारा प्रो वाला उसके भी आगे वाला वर्जन है, तो उन्होंने प्रो नाम नहीं दिया, प्रो या अल्ट्रा या मैक्स नाम नहीं दिया, लेकिन शायद Redmi के लॉन्च इवेंट में हमें पता चलेगा। जी हाँ, Redmi Note 9 Pro है, Redmi Note 9 है, Redmi Note 9 Pro Max है, अल्ट्रा है, वी आर नॉट श्योर। आपको क्या लगता है इसके बारे में? जो थे नाम वही रखने चाहिए थे, क्यों मैक्स वीक्स करना है? चलिए दोस्तों, टेक न्यूज होती है खत्म इधर ही, जाके डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिएगा हर रोज, जैसे इट्स अ गुड हैबिट टू गो एंड चेक आउट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल ट्रैकिंग टेक वीडियोस। यस, अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग लिंक्स डाले हुए होते हैं दोस्तों। अब वक्त होता है ट्रैकिंग टेक ट्रेजर हंट का। जी हाँ, कुछ दिखा आज की टेक न्यूज में इधर उधर आजू बाजू आगे पीछे, अगर दिखा तो जाइए कमेंट सेक्शन में #TTTS डालिए, टाइम स्टैम्प डालिए, स्पेसिफिकली हमें बताइए आपने क्या देखा, क्योंकि अगर आप सही हो तो आप जीत पाओगे पेटीएम का गिफ्ट वाउचर। और कल के हमारे पेटीएम गिफ्ट वाउचर के विनर है देवेश शुक्ला, कॉन्ग्रेचुलेशन देवेश जी, भेज दीजिए आपका पेटीएम का मोबाइल नंबर, हम भेज देंगे आपको आपका पेटीएम गिफ्ट वाउचर। एंड नाउ टाइम फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस टेक न्यूज, जी हाँ, आपका नाम लेने का, हमारे सुपरस्टार्स का नाम लेने का। कल के हमारे तीन सुपरस्टार फीचर्ड कमेंटर्स हैं गनु भाई अंबानी, जॉली शाह और वामशी कृष्णा, कॉन्ग्रेचुलेशन, जबरदस्त कमेंट्स डाले दोस्तों। ऐसे ही रोज कमेंट्स डालते रहिए, ऐसे ही रोज हम आपके कमेंट्स पढ़ते रहेंगे, ऐसे ही रोज आपका नाम लेते रहेंगे। चलिए दोस्तों, आज की हमारी ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 666 खत्म होती है इधर ही। अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं वो कर दिया, शेयरिंग करना आपके हाथ में है, रिमाइंड करना मेरे हाथ में है। वैसे एक चीज मत भूलिएगा, 666 क्या होता है बोलना कमेंट सेक्शन में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।
माजिद चमकते का से कैमरा, अब कैमरा का है रे, बैटरी का मतलब आरबीआई ने कहा है कि जो का है रे वन मोर थिंग ट्रैकिंग के फंडे का लास्ट एपिसोड नहीं कसा सुक्तस्ते